डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग हनी बी के डांस के बारे में और हनी बी से जो प्राप्त होने वाला मटेरियल होता है, जिसको हनी, मधु या शहद के नाम से जाना जाता है, के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो हनी बी होती है, यानी जो मधुमक्खी होती है, उस मधुमक्खी में जो डांस होता है, उस डांस का आशय क्या है। क्योंकि नेचर में बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं जिनके पास कम्युनिकेशन के लिए किसी स्पेशल टाइप की लैंग्वेज नहीं होती है। वो अपने शरीर को एक विशेष गति दे करके एक विशेष सूचना को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। कुछ इसी तरह की व्यवस्था नेचर ने मधुमक्खी में भी की है। प्रारंभ में यह स्पष्ट नहीं हो पाता था कि मधुमक्खी जो डांस करती है या जो नृत्य प्रदर्शित करती है, उस नृत्य के द्वारा वो क्या व्यक्त करना चाहती है। इस संदर्भ में अर्नस्ट स्पाइट्जर 1788 ये प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं, वो नृत्य के माध्यम से सूचनाओं को प्रसारित करती हैं। अर्थात इनकी एक लंबी स्टडी थी मधुमक्खियों के डांस के ऊपर, और अपने रिसर्च के बाद इन्होंने ये स्पष्ट किया कि मधुमक्खियाँ अपने विशेष प्रकार के नृत्य के माध्यम से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह अथवा एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक पहुंचाती हैं। अर्थात सूचनाओं का प्रसारण नृत्य के माध्यम से मधुमक्खियों में होता है, और ये बात अर्नेस्ट स्पाइट्जर ने बताई थी। चूँकि विज्ञान प्राकृतिक रहस्यों की खोज का प्रयोगों परीक्षणों पर आधारित एक विषय वस्तु होती है, किसी एक व्यक्ति के किसी बात के कहने से उसे वैज्ञानिक दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब अर्नेस्ट स्पाइट्जर की इस बात को लेकर के वैज्ञानिकों ने सन 1946 से 1969 तक रिसर्च किया, और इतने लंबे रिसर्च के बाद इस परिणाम पे पहुँचे कि जो मधुमक्खी डांस प्रस्तुत करती है, उस डांस का वास्तविक अर्थ क्या है। 1946 से 1969 तक रिसर्च के बाद एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल वान फ्रिश। कार्ल वान फ्रिश ने यह बताया कि वास्तव में जो मधुमक्खी डांस प्रस्तुत करती है, उस डांस का वास्तविक अर्थ क्या है। अर्थात ये मधुमक्खी द्वारा नृत्य की व्याख्या करने में सफल हुए। तो पहली बार इस नृत्य के आशय को व्यक्त किया था अर्नेस्ट स्पाइट्जर ने। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि मधुमक्खियाँ सूचनाओं का प्रसारण नृत्य के माध्यम से करती हैं। 1946 से 1969 तक रिसर्च के बाद कार्ल वान फ्रिश ने भी ये बताया कि जो नाच या डांस होता है मधुमक्खियों के द्वारा, उस डांस का अर्थ क्या है। अर्थात वो जिस पैटर्न का डांस करती हैं, उस पैटर्न के डांस का की व्याख्या किस रूप में की जा सकती है। इन्होंने ये बताया कि मधुमक्खियाँ जो डांस प्रस्तुत करती हैं, वो दो तरह का डांस होता है। पहले डांस को कहते हैं राउंड डांस, हिंदी में कहते हैं गोल नाच। दूसरा होता है टेल वैगिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं दुम डोलनी नाच। गोल नाच अगर कोई मधुमक्खी प्रस्तुत करती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो भोजन का स्रोत है, वो उनके छत्ते से लगभग 75 मीटर की दूरी तक स्थित है। दूसरा जो है दुम डोलनी नाच या टेल वैगिंग डांस, इसका मतलब ये होता है कि जो भोजन का स्रोत है, वो उनके छत्ते से 75 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। इस तरह से दो तरह के डांस के व्याख्या हुई। पहला डांस था गोल
नाच, दूसरा डांस था दुम डोलनी नाच यानी अंग्रेजी में राउंड डांस और टेल वैगिंग डांस। ये दो तरह के डांस के बारे में बात बताई गई थी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस हनी बी से रिलेटेड कुछ और भी बातें यहाँ सीखेंगे। जैसे कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस छत्ते में कितने तरह के सदस्य होते हैं। सामान्य रूप से एक मधुमक्खी के छत्ते में कुल तीन तरह के सदस्य होते हैं। पहला होता है वर्कर बी, दूसरा होता है क्वीन बी, तीसरा होता है ड्रोन या मेल। वर्कर बी और क्वीन बी जो होते हैं इनका जो जन्म या विकास होता है वो फर्टिलाइज्ड एग से होता है। और तीसरा जो ड्रोन या मेल की भूमिका में होता है इसका जो विकास होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। अर्थात वर्कर और क्वीन ये दोनों फीमेल के रूप में होते हैं और दोनों का विकास फर्टिलाइज्ड एग से होता है। तीसरा जो है ड्रोन या मेल ये इनका विकास अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। ये याद रखने योग्य तथ्य है कि जो वर्कर भी फीमेल के रूप में होती है लेकिन इसमें रिप्रोडक्टिव पावर एब्सेंट होता है। अर्थात रिप्रोडक्शन के लिए केवल क्वीन और ड्रोन ही आपस में एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन की क्रिया को करते हैं। वर्कर जो भी होती है इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। अब वो कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं इंडिया में जो मुख्य रूप से शहद के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम ये जानते हैं कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूल से जो रस होता है जिसको मकरंद बोलते हैं या अंग्रेजी में नेक्टर कहते हैं उसको चूसती हैं और चूस करके लाकर छत्ते में इकट्ठा करती हैं। उस फूल के रसों से और उनके लार ग्रंथियों से निकले हुए जो सलाइवा होते हैं वो मिक्स होकर के एक प्राकृतिक लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होते हैं जिसे हम सामान्य रूप से शहद या हनी के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए इंडिया लेवल में कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियां हैं जो शहद के उत्पादन के लिए फेमस हैं। आइए उन तमाम फेमस प्रजातियों का नाम जाना जाए। जो मधुमक्खी की इंडिया की प्रजातियां हैं मुख्य रूप से जिनको शहद के कल्चर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पहला नाम है एपिस सेरानिया, दूसरा है एपिस फ्लोरिया, तीसरा है एपिस डॉर्सेटा, चौथा है एपिस मेलिफेरा। ये वो चार प्रजातियां होती हैं जो मुख्य रूप से शहद के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि जो शहद का संगठन होता है वो क्या होता है। संगठन का मतलब होता है अवयवी तत्व, वो सभी बेसिक अवयव जो मिलकर के शहद का निर्माण करते हैं उन्हें हम शहद का संगठन या कंपोजिशन ऑफ हनी के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शहद के अंदर मौजूद होती हैं, उसमें पहला होता है शुगर, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, विटामिन्स, प्रोटीन, एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एंड आयल्स। ये वो तमाम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं जो शहद के अंदर मौजूद होते हैं, जिन अवयवी तत्वों के यौगिकों के मिलने से शहद का निर्माण होता है उसे ही हम कंपोजिशन ऑफ हनी या शहद का संगठन या मधु का संगठन कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जो शहद होता है वो शहद जो होता है वो नेचुरल एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर रोग से मुक्ति देने की भी एक नेचुरल क्षमता होती है। यह एक एक्सीलेंट एनर्जी सोर्स के नाम से भी जाना जाता है। 100 ग्राम जो हनी होती है उससे लगभग 304 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।